की तरफ आए हम लोग, जो ये भी मेहरान एक्सप्रेस की तरफ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं खुश्की है, लेकिन ये लोग यहाँ से आए, इनका जो गांव है वो ज़ेरे आब आ चुका है और ये काफ़ी तादाद में है। ये मुख्तलिफ जो है ना, आपको झुग्गियाँ नज़र आ रही होंगी। ये बेचारे बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, इनको कोई टेंट वेंट मुहैया नहीं किया गया। और अभी इनसे पूछते हैं कि इनकी मदद के लिए कौन लोग और कितने लोग आ चुके हैं। आपको उर्दू आती है भाई? जी हाँ, उर्दू। अच्छा, ये बताएं कि आपकी अभी तक मदद के लिए कौन आया है? कौन नहीं इधर बाजी आया? अच्छा, कोई किसी एनजीओ का नाम बताएं, मतलब कोई किसी ने आपको रोटी नहीं दी, किसी ने राशन नहीं दिया? रोड पर आते हैं ना जी, बस वो थैली में ये कैप लगी बड़े रंजेश की, जी जी, ये आते दे के जाते हैं, दूसरे और कोई अच्छा, नहीं आते यार। और आप लोग कैसे अपना गुजर बसर करते हो? बस अल्लाह दे रहा है, मजदूरी करते हैं, पानी में ही कप्पा बप्पा चुन रहे हैं, उसके लिए मजदूरी कर रहे हैं। क्योंकि फसलें तो तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई। ये तमाम वो लोग हैं जो दिहाड़ी पर फुट्टी की जो फसल होती है उसको चुनते थे। तो अब ये है कि ज़ाहिर 150 जो गांव हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी उनमें खड़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से वो जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो इनकी दिहाड़ी का रोज़गार भी ख़त्म हो चुका है, बस ये लोग बेयारो मददगार हैं। किसी ने मदद कर दी, खाना भिजवा दिया तो खा लिया इन लोगों ने, वरना इनकी कोई मदद नहीं है फिलहाल। लो बाबा, तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं है भाई। इस वक्त हम मेहरान एक्सप्रेस के बाहर मौजूद थे, जो हमारा तीसरा एक पड़ाव था। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे, तकरीबन 100 से 150 लोग, और ये भी बेयारो मददगार थे। और इनसे भी हमने यही पूछा कि आप लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो जो सबके जवाब थे वही थे कि किसी ने आए, खाना दे दिया और खा लिया, क्योंकि इनके पास रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। ये दिहाड़ी पेशा लोग थे, ये फसलों पे काम करने वाले लोग थे, जो अपने गांव में फुट्टी की फसल जब तैयार होती थी तो ये उसको चुनते थे और 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करते थे, जिससे इनका घर चलता था। अब वो फसलें हो गई हैं तबाह, तो अब इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोज़गार हैं। और खुदा रहा इनकी मदद करें, क्योंकि हमने इनको कपड़े भी तकसीम किए हैं, राशन भी दिया है, खाना पका हुआ भी दिया है और ज़रूरत का सामान भी दिया है, कपड़े भी दिए हैं।
और लेकिन ना काफी है वो। चलें अब आगे देखते हैं कहाँ चलते हैं, फिर आपसे वहीं पे मुलाकात होगी।